आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। मुझे एडेनियम प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। जब उन पर फ्लावरिंग होती है तो इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि आप सभी को भी एडेनियम के प्लांट्स पसंद होंगे। जो कलर्स हमको नर्सरी में नहीं मिलते हैं वो हम उनको ऑनलाइन खरीदते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन एडेनियम प्लांट्स का पार्सल मिलने के बाद उनको रिपोर्ट कैसे करें। ये देखिए, ये मेरे वही एडेनियम प्लांट्स हैं जो पूर्णिमा ग्रीन नर्सरी से मुझे गिफ्ट में मिले थे। अगर आप एडेनियम ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं या मुझे मिले गिफ्ट की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में दे दिया है, आप देख सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। इन सभी प्लांट्स को 2 दिन के लिए शेड में रखना है जहां हवा आती हो। आप इन्हें हैंग भी कर सकते हैं। शेड में रखने से पहले इनकी रूट चेक करनी है कि कहीं से डैमेज तो नहीं है। अगर रूट खराब हो तो उनको कट कर देंगे और फंगीसाइड पाउडर लगाकर शेड में रख देंगे। आज 2 दिन हो चुके हैं, अब हम इनको रिपोर्ट करेंगे। ये सभी प्लांट्स बहुत छोटे हैं और इनके कॉर्डेस का मॉइस्चर भी सूख गया है। अब हम इसको ऐसे सॉयल मीडिया में लगाएंगे जो वेल ड्रेन के साथ साथ मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। सबसे पहले पानी में फंगीसाइड पाउडर मिलाकर इन सभी प्लांट की रूट्स को उसमें 20 मिनट डुबो देंगे, जिससे इन पर फंगीसाइड पाउडर की लेयर जम जाए। 20 मिनट बाद इनको निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए हवा में रख देंगे। मैं इनको सिर्फ कोकोपीट में ग्रो करूंगी। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप सैंड में सॉइल मिक्स करके इनको ग्रो कर सकते हैं। 70% सैंड, 30% सोयल, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। पॉट में पानी ना रुके उसके लिए होल होना चाहिए। नीचे 2 इंच की पत्थर की लेयर डालेंगे, फिर कोकोपीट फिल कर देंगे। इस तरह सभी प्लांट्स को इसमें लगा देंगे। अब इसमें वाटरिंग करेंगे। देखिए, पानी नीचे से निकल रहा है। कोकोपीट में पानी रुकता नहीं है, सिर्फ होल्ड रहता है। वाटरिंग 3-4 दिन छोड़कर
सॉयल सूखने के बाद ही करें। 4 दिन इनको शेड में रखेंगे, फिर मॉर्निंग की 3-4 घंटे की सनलाइट में रखेंगे। कुछ ही दिनों में इनमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। देखिए आज 20 दिन हो गए हैं। हमारे प्लांट्स के कॉर्डेक्स भी हार्ड हो गए हैं और इनमें ग्रोथ होना भी शुरू हो गई है। इसमें देखिए छोटी छोटी लीव्स भी बनना शुरू हो गई हैं। अब वेट करते हैं इन पर फ्लावरिंग होने का। और देखते हैं इन पर किस किस कलर के फ्लावर्स आते हैं। जब इन पर फ्लावर्स आएंगे तब मैं आपके साथ वह भी शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।